हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, अभी अभी मैंने नया नया लॉगिन किया है। तो लॉगिन किया है तो गाइस, आपको ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब आपका अपना अपना जो भी डेटाबेस होगा वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ईज डेटाबेस यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपके जो भी आपने बनाया होगा ऑब्वियसली। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, आज ना हम लोग डेटाबेस कंट्रोल लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। डेटाबेस कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कौन सी कमांड्स होती हैं, हम लोग यूज़र बना सकते हैं, क्रिएट यूज़र कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्रांट कर सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर यूज़र को हम लोग एक कोई भी एक्सेस दे सकते हैं, एक से ज़्यादा या एक। ठीक है, रिवोक यूज़ कर सकते हैं। रिवोक क्या करता है, रिवोक हमारा डेटा को छीन लेता है, मतलब एक्सेस को छीन लेता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके संग ड्रॉप कर सकते हैं यूजर को। ठीक है, ड्रॉप यूजर हम लोग यूज कर सकते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी होंगे। ठीक है, अभी हम लोग मेन जो पढ़ने वाले हैं आज की वाली वीडियो में यही होगा। ठीक है, नाउ क्रिएट यूजर कैसे करेंगे। ठीक है, यूजर को क्रिएट करने के लिए मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा क्रिएट यूजर। ठीक है, यूजर एंड क्रिएट यूजर करने के बाद मुझे यूजर का नाम लिखना पड़ेगा। आप कोई भी नाम लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गीत अंजलि, मैं यहाँ पे गीतांजलि नाम लिख रही हूँ। अबे क्या लिखती, मैं अपना नाम नहीं लिख पा रही। चलो ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय। आइडेंटिफाइड बाय क्यों लिख रहे हैं हम लोग, आइडेंटिफाइड बाय हम लोग लिखते हैं पासवर्ड जब भी हम लोग लिखने वाले होते हैं, उससे पहले हम लोग लिखते हैं कि गीतांजलि चावला एक्चुअल में गीतांजलि चावला है या नहीं है। गीतांजलि अगर हम लोग यूजर से लॉग इन करवा रहे हैं तो एक्चुअल में वो गीतांजलि है या नहीं है, तो वो चीज़ बताने के लिए हम लोग आइडेंटिफाइड बाय यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अब उसको हम लोगों को पासवर्ड देना पड़ेगा कि क्या हम लोग क्या ये गीतांजलि जो है वो गीतांजलि है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे गीत। ठीक है, 1 2 3, लेट्स से कि मैं पासवर्ड देना चाहती हूँ गीतांजलि को, और उसके बाद फिर सेमी कॉलन लगाऊंगी। जैसे ही मैं एंटर करूंगी एक नया यूजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कि यूजर क्रिएट हो गया है, कैसे हमें पता चला, क्वेरी ओके आ गई है, इसका मतलब हमारा जो यूजर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग इसको जो ये गीतांजलि है उसे हम लोग एक्सेस देंगे कि गीतांजलि तू ये चीज़ें कर सकती है, ये चीज़ें नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एक्सेस देने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रांट, ग्रांट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे प्रिविलेज लिस्ट। ठीक है, प्रिविलेज लिस्ट मतलब अब ऑब्वियसली सिलेक्ट जो भी हमारे पास मेन मेन कमांड्स होती है ना, सिलेक्ट ऑल्टर क्रिएट और ये सब चीज़ें। ठीक है, बेसिक यही है अभी। तो सिलेक्ट हम लोग कर सकते हैं, सिलेक्ट हम लोग दे सकते हैं, इंसर्ट दे सकते हैं, ऑल्टर दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, डिलीट दे सकते हैं, ड्रॉप दे सकते हैं, और भी बहुत सारे जो भी हमारे कमांड्स होते हैं वो दे सकते हैं हम लोग। अच्छा, कॉमा लगा के मैं एक से ज़्यादा कमांड भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ सिलेक्ट दे रही हूँ अभी उसे। ठीक है, सिलेक्ट ऑन, ठीक है, सिलेक्ट ऑन एसटीयूडी। एसटीयूडी क्या है, एसटीयूडी आपका टेबल का नाम रहेगा, जो भी आपका टेबल का नाम है। मैंने यहाँ पे एसटीयूडी नेम से टेबल बहुत टाइम से बना रखा है अपनी पूरी प्लेलिस्ट में, तो सिलेक्ट ऑन एसटीयूडी लिखूंगी मैं। उसके बाद लिखूंगी टू। टू क्या, किसको दे रही हूँ मैं ये, ठीक है, किसको ये वाला एक्सेस जो है वो मैं दे रही हूँ, तो उसमें मैं नाम लिखूंगी गीतांजलि। अब जैसी मैं सेमी कॉलन लगा के एंटर करूंगी, वैसे ही ये जो पर्टिकुलर चीज है वो उसे मिल जाएगी सिलेक्ट करने के लिए, हम लोग सिलेक्ट करवा पाएंगे गीतांजलि से एसटीयूडी को। एंटर किया, क्वायरी ओके, मतलब हाँ उसको मिल चुकी है वाली। अगर मैं चाहती हूँ कि अब कुछ काम करने के लिए मैंने उसे दिया, उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार नहीं, अब गीतांजलि ना, अब गीतांजलि एक्सेस नहीं कर सकती, अब गीतांजलि को एक्सेस से हटाना पड़ेगा, तो वो हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवोक लिख सकते हैं। हम लोग रिवोक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट से यहाँ पे ये मतलब है कि ना जो भी
हमारा एक्सेस जो है वो हम लोग छीनना चाहते हैं वो वाली लिस्ट लिख सकते हैं, चाहे तो सिलेक्ट, और अगर कोई और एक्सेस भी दे रखा है तो कोई और एक्सेस का नाम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे जो हमारा टेबल का नाम है SUD, उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद फिर लिखेंगे यूज़र का नाम, टू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, फ्रॉम। अब कोई चीज़ ले रहे हो तो फ्रॉम बोलते हैं ना हम लोग जनरली, तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कितना ज़्यादा इंग्लिश वाला ये लाइन है, देख रहे हो, फ्रॉम लिखेंगे अगर किसी से लेना है तो, टू लिखेंगे किसी को देना है तो, ऑब्वियसली ये चीज़ हम लोग इंग्लिश में भी ऐसी बोलते हैं। नाउ यहाँ पे मैं गीतांजलि लिखूंगी और उसके बाद फिर एंटर कर दूंगी। जैसे ही मैंने एंटर किया, अब उससे जो एक्सेस है वो छिन चुका है। ठीक है, अब जो है हम लोग एक्सेस छीन चुके हैं। अच्छा, आप डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग यूजर को, तो डिलीट यूजर अगर मुझे करना है तो मैं लिखूंगी सिंपली डिलीट यूजर, और उसके बाद फिर यूजर का नाम जो कि यहां पे रहेगा गीतांजलि। डिलीट नहीं, सॉरी, ड्रॉप यूजर, ड्रॉप करना था, डिलीट नहीं करते हम लोग, यूजर को ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप लिखेंगे, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें ना डिलीट यूज नहीं हो पा रहा तो ड्रॉप यूज हो जाएगा, ऐसा वाला सीन है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप होगा, डिलीट नहीं होता है यूजर। ठीक है, ओके गाइज, सो गाइज आज के लिए इतना ही। DCL में सिर्फ और सिर्फ इतना सही था, इसके अलावा कुछ भी फालतू चीज नहीं है। और अब से हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे एक आधा, जिससे हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की वाला कंसेप्ट थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। एक आधा क्वेश्चन करेंगे, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, चाहे आप पूरा कोर्स देख रहे हो या ना देख रहे हो, वो वाली वीडियो प्लीज देखना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे लिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। और मैं एक चीज और आपको एक होमवर्क टाइप देना चाहती हूँ, जिसमें ना हम लोग कोर्स के लिए एक टेबल बनाओ, स्टूडेंट के लिए एक टेबल बनाओ, बस। ठीक है, एक स्टूडेंट का डेटा बनाओ पूरा, एक कोर्स का पूरा डेटा बनाओ, जिसमें आपने BCA देना है, ठीक है, MCA देना है, MA देना है, MBA देना है, और एक आधा जो भी आपने इग्नू में देख के आना, ठीक है, इग्नू की वेबसाइट पे चले जाना, तो उसमें जो जो हमारे BSc होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे कुछ कुछ जो भी आपको दिखाई दे कोर्स, वो वाले कोर्स के नाम ना आपको वहाँ पे लिखने हैं, और कोर्स का BCA, जैसे BCA की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, वो पूरा लिख देना उसमें कोर्स के लिए, और उसका डिस्क्रिप्शन में ये लिख देना फीस, ठीक है, साथ में फीस लिख देना। तो ये सब चीज़ें आपको लिख के लेके आनी है। और कोर्स के जो ये हमारे कॉलम्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, नेम, ID, ठीक है, ID में BCA वगैरह आएगा, ठीक है, और क्या रहेगा, कोर्स ID एंड विद दैट नेम हो गया, और क्या रहेगा, और रहेगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये शो कर सकते हैं कि कितने इस पर्टिकुलर उसके अंदर ईयर है या सेमेस्टर है, सेमेस्टर है तो कितने सेमेस्टर है, ईयर है तो कितने ईयर है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्क्रिप्शन में स्टोर कर रहे होंगे। और एक और कॉलम बनेगा, वो बनेगा फी का, फी को हम लोग डेसिमल से स्टोर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको करके आनी है, खुद से एक टेबल बनाना है, और दो टेबल्स बनाने हैं सिंपली, एक स्टूडेंट का, एक कोर्स का, जिसमें कोर्स में जो है जो भी हमारे BCA BA वगैरह 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 स्टोर हो रहे होंगे, और स्टूडेंट में जो है वो स्टूडेंट्स के नेम स्टोर हो रहे होंगे, उनका एड्रेस स्टोर हो रहा होगा, और उसमें कोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे हमने पहले स्टूडेंट का डिस्क्राइब करके मैं आपको दिखा देती हूँ क्या बना रखा है, इसमें कोर्स वाला ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, इसकी जगह आप मोबाइल नंबर वगैरह 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 जो भी चीजें आप ऐड करना चाहते हो, एड्रेस वगैरह वो सब चीजें ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, लेकिन कोर्स नहीं ऐड रहेगा इसमें। बस यही था गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दैट्स इट, बाय बाय।